हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आपसे भी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी का सेकंड शिफ्ट का भी एग्जाम हो चुका है, बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे मिल गए हैं, तो इस वीडियो में वो सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले थैंक यू सो मच जिसने भी क्वेश्चन भेजे हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भेजे हैं जितेंद्र सैनी जी ने, तो उनको दिल से धन्यवाद। ठीक है, और आगे की भी ऐसी वीडियोज़ लेने के लिए नीचे रेड कलर का बटन दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपके पास लगातार वीडियोज़ पहुँचती रहे। तो यहाँ पे दोस्तों पहला क्वेश्चन है, नमक आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? गांधी जी ने 1930 में, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दीन ए इलाही धर्म किसने शुरू किया था? 1582 में अकबर ने शुरू किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन आपका पूछा गया था, आवर्त सारणी में 19वें स्थान पर कौन सा तत्व है? ये पोटेशियम हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, आरबीआई के गवर्नर पूछे गए, आरबीआई के गवर्नर कौन है? उर्जित पटेल अभी, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। जाइलम कितने प्रकार के होते हैं? 4, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ठीक है, और आपका जड़त्व का कौन सा नियम है? तो पहला नियम है, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप किस देश के राष्ट्रपति है? देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सभी बच्चे जानते होंगे, अमेरिका, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन था आपका, इंडिया में सहवाग से अलग टेस्ट मैच में 300 से अधिक रन किसने बनाए? तो आप इसका राइट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जितने बच्चों को पता है। ठीक है, DNA सर्वाधिक, मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन था, एग्जैक्ट पूरा क्वेश्चन नहीं पता है तो, बट आप देख लीजिए DNA से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट आपका, कोशिका कहाँ होती है? अग्नाशय में होती है। ठीक है, विटामिन के का रासायनिक नाम यहाँ पे पूछा था, अभी मैंने बताया था, इससे पहले शिफ्ट में भी आया था, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा। ठीक है, एक था पोरीफेरा से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, अब ये भी पूरा क्वेश्चन नहीं पता है तो आप देख लीजिए, मतलब इस टॉपिक से भी आपका क्वेश्चन आया है। एक था आपका 2017 में फिल्म महोत्सव की थीम क्या थी, तो ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं तो मैं जल्दी जल्दी आपके लिए लेके आ जाता हूँ, क्योंकि सारे क्वेश्चंस का आंसर मुझे भी नहीं पता होता है। ठीक है, ठीक है भाई, तो बैक्टीरिया किसे कहते हैं, जीवाणु को, और आपको जगह COOP SBI, तो अनुदत्ति भट्टाचार्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए CO से एक दो क्वेश्चन आ रहे हैं, बट हाँ आज पता चला है कि इस वाली शिफ्ट में कोई गवर्नर कोई CM नहीं पूछा गया। ठीक है, तो ये CO का जो क्वेश्चन है वो शायद फर्स्ट शिफ्ट का होगा, इस वाली शिफ्ट में इनसे कोई भी क्वेश्चन नहीं आया, तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। ये मत सोच के जाएगा कि आप इनको रट लेंगे तो आपके 5-6 नंबर या 10 नंबर पक्के हो जाएंगे, कभी कभी ऐसा होता है किसी शिफ्ट में ना एक भी CO आता है, ठीक है, ना CM आता है, ना गवर्नर आता है, ना कोई कैपिटल आती है, ना करेंसी आती है, तो ऐसा भी होता है जो कि इस शिफ्ट की बात की जाए, बहुत सारे बच्चों ने बताया कि इनमें से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। ठीक है, RBC का अन्य नाम पूछा गया था यहाँ पे, एंथ्रोसाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जापान के PM यहाँ पे पूछे गए थे, शिंजो आबे, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जापान के PM यहाँ पे पूछे गए थे। ठीक है, और देखिए ये अभी आए थे इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन बना है, तो आप ध्यान रखिए जो भी कोई नया हमारी कंट्री में आता है, फिर PM मोदी जी कहीं जाते हैं किसी दूसरी कंट्री में, तो उसके आपको PM प्रेसिडेंट ये पता होने चाहिए। ठीक है, मैन हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ पर होगा? तो इंडिया में होना है। ठीक है, UPI बैंक ऐप से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, अब एक्चुअल में एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता है। ठीक है, प्लेइंग इट इज माई वे बुक किसकी है? ये सचिन तेंदुलकर जी की है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, ये कई बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, एक था आपका, बाहुबली मूवी में कटप्पा का किरदार किसने निभाया था? देखिए बाहुबली मूवी से अगर बात की जाए अभी तक 5-6 क्वेश्चन बन चुके हैं। ठीक है, तो एक बार इसके सारे जितने भी किरदार हैं ये सब कुछ और इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज ले लीजिए, वैसे तो आपने सभी ने देख रखी होगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, सत्यराज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक था आपका, अल्बर्ट डैम कहाँ पर है? कृष्णा नदी पर है ये हो जाएगा। ठीक है, एक था आपका, पद्मावत मूवी में गोरा पागल का रोल किसने किया था? देखिए एक्चुअल में ये पूरा क्वेश्चन मुझे सही नहीं पता है, अगर ये क्वेश्चन सही है तो आप इसका आंसर बताइए मुझे। ठीक है, क्योंकि इसका मुझे नहीं पता है। नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन था, गुलाम वंश की शुरुआत किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, ये भी आपका कई बार आ चुका है पहले भी। गोल्ड मूवी के डायरेक्टर कौन है? रीमा कांगती, ये क्या है मतलब आप देख लीजिएगा। ठीक है, GST के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन जी है, आप सभी को पता होगा ये क्वेश्चन आपका आता था। पौधे के प्रजनन क्रिया, तो ये होता है पोलन ग्रेन्स होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए दोस्तों ये मैं आपके लिए लेके आया हूँ, टेस्ट सीरीज एक मतलब डिस्काउंट पे है, तो इसलिए मैं आपके को बता देता हूँ बीच में ही, क्योंकि यहाँ पे 30 टेस्ट मिल रहे हैं हिंदी इंग्लिश के, 149 रुपीज़ था, इसमें 20% का डिस्काउंट आपको मिल रहा है, जिसमें आपको कोड यूज करना है SOURABH SPL। ठीक है, तो इस कोड को यूज करके आप 20% पे इसको खरीद सकते हैं 30 टेस्ट को, और जिनके पास अभी 5 दिन भी है ना, 4-5 दिन भी है, तो वो भी खरीद के इन टेस्ट को लगा के जाइए, आपको मतलब अलग ही बेनिफिट मिलेगा जो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों ने टेस्ट सीरीज खरीदी थी, उन्हें मिला है इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ रहे हैं, और उन्होंने बताया कि टाइम से हुआ है हमारा।
ठीक है, क्योंकि टाइम की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। आप जब एग्जाम देने बैठते हैं तो टाइम मतलब ऐसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। तो एक बार टेस्ट लगा के घर पे जाएंगे 10-15 टेस्ट, तो आपको वहाँ पे बैठ के ऐसा नहीं लगेगा कि हमारे पास टाइम कम है या फिर ये टेस्ट मैं पहली बार दे रहा हूँ, क्योंकि उससे पहले आप दे सकते हैं, दे रखे होंगे इस टेस्ट को। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में 30 टेस्ट है और मोबाइल पर भी आप दे सकते हैं, नीचे लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से देख सकते हैं। बाकी आप टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ पर मुझे मैसेज करके कोई भी पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों मैथ की तरफ। मैथ में आपका देखें यहाँ पे था एक क्वेश्चन कि थ्री बॉय और थ्री गर्ल, यानी कि थ्री बॉय या फिर थ्री गर्ल 10 दिन में किसी काम को करते हैं, यानी कि या तो तीन बॉय से वर्क कराओ तो वो भी 10 दिन में करेंगे, या फिर तीन गर्ल से कराओ वो भी 10 दिन में करेंगे। तो यहाँ पे पूछा था एक बॉय और एक गर्ल कितने दिन में काम करेगी। तो यार बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन आया है तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना था, टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, किसी की भी एक की मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं गर्ल की कर देता हूँ तो यहाँ पे कितना होगा, 30 यूनिट टोटल वर्क हो गया। ठीक है, तो टोटल यूनिट वर्क अगर ये है तो भाई एक बॉय यानी कि एक बॉय एक गर्ल के बराबर है। तो आप यहाँ पे या तो दोनों को बॉयज मान लो या फिर दोनों को गर्ल मान लो। ठीक है, तो 30 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, 15 डेज में वर्क कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इससे पहली शिफ्ट में भी वैसे एक क्वेश्चन था ऐसा, एक इससे पहली शिफ्ट में एक क्वेश्चन था ऐसा, बस थोड़ा सा डिजिट चेंज हुई है, बाकी क्वेश्चन वही है। यहां पे है नीलम और नीलू, यहां पे दो हैं और इनकी एज का रेशियो दे रखा है 2 और 4, कितने ईयर पहले, ठीक है 4 साल पहले। देखिए यहाँ पे 2-4 नहीं होगा वैसे तो, ये शायद किसी ने बताने में गलती कर दी, यहाँ पे फिर 1 और 2 हो जाएगा क्योंकि ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, तो 1 और 2 कर लीजिए या फिर 2 और 4 ही रख लीजिए, कोई बात नहीं है क्योंकि क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ और रख लीजिए, डिजिट से मतलब नहीं होना चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो 2 और 4 ही मान लेते हैं रेशियो इनका था, और 4 साल पहले का रेशियो है ये। ठीक है, तो आपको क्या करना है, और इनके बीच का जो डिफरेंस था वो 40 दे रखा था। ठीक है, तो बीच का डिफरेंस अगर 40 है और वैसे इनके जो बीच का डिफरेंस है रेशो का वो 2 है, तो 2 बराबर 40 है, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा आपका, 20 हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछा है, नीलू की या नीलम की, किसी की भी एज पूछी गई होगी, तो नीलम की मान लेते हैं, नीलम की एज पूछी गई होगी। तो क्या करते हैं यहाँ पे, टोटल एज यहाँ पे निकाल लेंगे नीलम की, तो 2 × 20 करेंगे तो कितनी होगी, 40। और ये जो 40 आई है ये कब की आई, 4 साल पहले की, तो 4 साल इसमें प्लस कर देंगे तो प्रेजेंट एज पूछी तो कितनी हो जाएगी, 44 ईयर, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो कुछ इस तरीके का था, एक था आपका 36 का स्क्वायर था और उसमें बताना था यूनिट डिजिट, तो आपको क्या करना होता है, यूनिट डिजिट में सिर्फ लास्ट वाला नंबर देखना होता है, तो 6 का स्क्वायर करिए कितना होगा 36, और 36 में भी आपका लास्ट वाला ये हो जाएगा 6 राइट आंसर। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। एक था आपका HCF, यहाँ पे बताना था आपको 630 था, 532 था और 342 था। ठीक है, इनका HCF क्या होगा, तो मैंने आपको पहले बताया HCF में आपको इनको डिवाइड कर देना करना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, और जब तक ये किसी भी एक कॉमन नंबर से डिवाइड होते रहें तो तब तक करते रहना, और जहाँ पे ये डिवाइड होना बंद हो जाए, ठीक है, यानी कि तीनों के तीनों 2 से डिवाइड हो जाएंगे तो ये आएगा। अब ये देखिए किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, ठीक है, अगर ये डिवाइड होते हैं तो आपको वो लिख देना है, यहाँ पे मान लीजिए 3 से हो रहे हैं, ठीक है, तो 3 लिख देंगे, अगर फिर भी उसके बाद भी हो रहे हैं फिर लिख देंगे, और जो अगर यहाँ पे बचता है ये डिवाइड होना बंद हो जाते हैं तो जो भी आएगा, ठीक है, वो आपका HCF हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे डिवाइड नहीं हो सकते किसी भी कॉमन नंबर से, तो ये HCF आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, एक था आपका यहाँ पे 4456 में क्या ऐड किया जाए कि 6 से डिवाइड हो जाए, यानी कि कंप्लीट डिवाइड हो जाए। आपके 4 ऑप्शन ये थे, ठीक है, 2, 3, 4, 5, ये माइनस नहीं है भाई, ठीक है, कभी आप सोचो माइनस 2, यहाँ पे 2, 3, 4, 5 लिखा था। ठीक है, तो इसमें आप 2 प्लस करके देखेंगे और इसको 6 से डिवाइड करके देखेंगे तो आपका हो जाएगा कंप्लीट 743 टाइम, यानी कि कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट आप चेक कर सकते हैं, इन तीनों से डिवाइड नहीं होगा। तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। एक था आपका सिंपल इंटरेस्ट का, प्रिंसिपल अमाउंट दे रखी थी 3680, रेट्स आपका 2.5%, ठीक है, टाइम दे रखा था 10 ईयर का, और ऐसा ही आपको यहाँ पे बताना था। तो ऐसा ही निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, P × R × T/100, ये होता है बिल्कुल सिंपल, सभी को पता है। तो बस रख दीजिए इसमें 3680 × 2.5 और × 10 और / 100 कर देंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। ठीक है, और इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 368 की मल्टीप्लाई 2.5 में करेंगे तो 920 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चंस आ रहे हैं कुछ आपके। एक था आपका ये वाला कि 9801 का आपको क्या बताना था, स्क्वायर रूट आपको बताना था। ठीक है, तो मैंने आपको कितनी बार बताया स्क्वायर रूट निकालने का ट्रिक, यहाँ पे लास्ट के 2 का पेयर बनाइए और जो बचे उनका अलग पेयर बनाइए, और लास्ट के 2 पेयर में भी सिर्फ आपको लास्ट वाले नंबर को ये देखना है कि ये किसके स्क्वायर में आता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 9 की 9×80, लास्ट में 1 आ गया इसके, ठीक है, और एक ये 1 के खुद के में ही आएगा और किसी के में नहीं आएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे 1 और 9 आ गया। अभी आपको क्या देखना है, इससे छोटा स्क्वायर किसका है, तो इससे छोटा स्क्वायर तो भाई 9 का हो जाएगा क्योंकि 10 का तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, तो इससे छोटा स्क्वायर अगर 9 का है तो 9 लिख लेंगे। अब आपको ये चेक करना है लास्ट में 1 ले या 9 ले,
अब इसके लिए मैंने आपको एक चीज बताई है कि यहाँ पे जिसके भी स्क्वायर के पास में ये, जैसे 9 के स्क्वायर के पास में है तो आपको 1 लिखना है, यानी कि छोटे स्क्वायर के। अगर ये 100 के स्क्वायर के पास में है तो आपको बड़े वाली संख्या लेनी है। तो ये 98 बताइए मुझे किसके स्क्वायर के पास में है, ये आपके 100 यानी कि 10 के स्क्वायर के पास में, यानी कि 100 के, तो इसका मतलब बड़े वाली संख्या के पास स्क्वायर के पास में है तो आपको 9 लिख देना है, तो 99 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन था आपका 13 अप्रैल 2018 को मंडे हो तो 13 अप्रैल 2019 को क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा यहाँ पे देखिए 13 अप्रैल 2018 है, 13 अप्रैल 2019 है, जर्नल ईयर है, तो आपको क्या करना है यहाँ पे बस एक आगे बढ़ा देना है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ट्यूसडे। मंडे दे रखा है तो नेक्स्ट क्या आएगा, ट्यूसडे, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्टेटमेंट कंक्लूजन का एक भी क्वेश्चन नहीं पता चला, अगर कोई बच्चा एग्जाम दे के आया है तो या तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा या फिर टेलीग्राम ज्वाइन करके प्लीज वहाँ पे क्वेश्चन भेज दीजिएगा। क्वेश्चन तो बहुत सारे आ रहे हैं, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन स्टेटमेंट कंक्लूजन से आ रहे हैं, बट क्वेश्चन कोई बता नहीं पाता है, मतलब इवन आपका एक आइडिया भी नहीं दे पा रहा है। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ आज बातचीत करके आपको शाम को एक दो क्वेश्चन बताऊँ कि स्टेटमेंट कंक्लूजन से कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। एक था आपका ओड वन आउट से, देखिए यहाँ पे दे रखा था, मतलब चार कैरेक्टर आपको दे रखे थे जिनकी मतलब मिरर इमेज दे रखी थी आपको, ठीक है। एल को यहाँ पे उल्टा करके लिख रखा था, सी बी और डी बी, बट यहाँ पे एक अक्षर था जो एक वर्ड था आपका वो उल्टा नहीं लिखा था, तो वही ओड वन आउट हो जाएगा, ठीक है, वही भिन्न हो जाएगा, तो यहाँ पे राइट आंसर वाई हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे थे, ठीक है भाई। और देखिए दोस्तों अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम डाउनलोड करके वहाँ पे टॉपिक स्टडी सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे मैं लगातार पीडीएफ अपलोड कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। तो पीडीएफ लेते रहिए और पढ़ाई करते रहिए, और टेस्ट अगर आपने परचेज नहीं किया है तो कर लीजिए दोस्तों, 120 रुपये की बात है, 120 रुपये में कुछ नहीं होगा, बट यहाँ पे आपकी बहुत सारी प्रिपरेशन हो जाएगी, बहुत सारे नए नए क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप अभी नर्वस है और समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करें, तो इस 120 रुपये के टेस्ट को खरीद लीजिए, क्योंकि इतने सारे रुपये यार आप कहीं इधर उधर खर्च कर देते हैं, और इसमें आपको 30 टेस्ट मिलेंगे जहां पे आपको बहुत सारे नए क्वेश्चन और आप लगातार वहां पे पढ़ाई भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने अभी तक अनअकैडमी का मेरा जो कोर्स है फ्री ऑफ कॉस्ट, जो मेरा क्रैश कोर्स है, वो नहीं देखा है तो उस मैथ के क्रैश कोर्स को जरूर देख लीजिए। उसके लिए आपको क्या करना है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे सौरभ मलिक सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ये मैं इसलिए बता रहा हूँ हर एक वीडियो में आपको बाद में, कि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कोर्सेज मैंने आपके लिए अपलोड किए हैं, तो उनको भी देख लीजिए। और मेरे चैनल पर जितने भी कोर्सेज हैं, 15 वीडियो का जो क्रैश कोर्स है उसको देख लीजिए, लिंक सबके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कोई भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करें, बस आप वीडियोज देखते रहिए और कुछ नहीं है, ठीक है, जो भी डाउट होता है पूछते रहिए। वीडियो को देखने बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ।